हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार में। दोस्तों, ये रियलमी का फ़ोन है। दोस्तों, रियलमी के फ़ोन में अचानक आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे अचानक आपका टच काम करना बंद कर दे, अचानक आपका माइक स्पीकर रिंगर काम करना बंद कर दे, अचानक आपका लोगो पे हैंग हो जाए, अचानक आपका चार्जिंग होना बंद हो जाए और चार्जिंग पोर्ट आपका सही हो, और अचानक कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्प्ले पे ग्राफिक वन आना बंद हो जाए। तो ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके साथ हो जाता है तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लेना है। और रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो है टच नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, टच इसका नहीं काम कर रहा है। ये रियलमी का फ़ोन है, रियलमी का कोई भी फ़ोन हो, वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करना है। रिबूट करने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आपको लगातार प्रेस करके कुछ टाइम तक रखना है। उसके बाद फ़ोन आपका ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे प्रेस करके रखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, हमने जब इसको प्रेस किया तो ये हमारा फ़ोन ऑटोमेटिक जो है रिबूट हो गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हमारा फ़ोन जो है चलते चलते अचानक हमारे फ़ोन का जो है टच काम करना बंद कर देता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्प्ले पर ग्राफिक आना बंद हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों पे हमारा हैंग हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जो है डिस्प्ले पे फ़ोन आता है और कुछ भी मतलब दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके साथ अचानक हो जाता है तो एक बार अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए। रिबूट और रिस्टार्ट करने में कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है। और रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन, दोनों बटन को आपको 10 से 15 सेकंड लगातार प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। और आपका हैंगिंग प्रॉब्लम, ये मतलब हैंगिंग प्रॉब्लम रहता है, आपका हैंग रहेगा तो आपका 100% सही रहेगा, आपका डिस्प्ले सही रहेगा तो डिस्प्ले वर्क करेगा, टच सही रहेगा तो टच काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हमारा जो है थोड़े समय में हमारा फ़ोन जो है ऑन होने वाला है। उसके बाद आपको चेक करके दिखाऊंगा। यहाँ पे पहले जो हमारे फ़ोन का जो है टच नहीं काम करता था। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन ऑन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, हम इसका पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो है टच काम कर रहा है। तो यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।